असलकुम आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो सी एस एस का सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर लाई हूँ उसका पार्ट फर्स्ट और उसका सेक्शन टू जो है सेकंड पार्ट का सेक्शन टू जिसमें से हमने जो है जस्ट टू क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं ऊपर वाले पोर्शन से और सेक्शन थ्री से भी दो क्वेश्चन ओवरऑल जो है फोर क्वेश्चन जो है हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आज मैं आप लोगों से दो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपके सामने लाई हूँ साइंस वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड तो सबसे पहले हम पार्ट वन के एम देख लेते हैं इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिश लिवर इन फिश लिवर ऑयल देयर जो मछली का तेल होता है, जो होता है है ऑयल जो उसमें जो है क्या चीज़ पाया जाता है आप सुना होगा कि जो एक टेबलेट्स भी होते हैं फिश वाली फिश ऑयल की जो टेबलेट्स होती हैं जो कि बेसिकली एनर्जी के लिए जो है वो यूज की जाती हैं तो उसमें पाया किया जाता है विटामिन ए एंड विटामिन ई जो कि स्किन के लिए हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो उस फिश जो फिश का जो ऑयल है उसमें ये चीज पाई जाती है ये विटामिनस पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल वो कौन सी डेट है जिसमें जो है दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी वाला है 61 मार्च एंड सॉरी 21 मार्च एंड डे एंड नाइट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं थर्ड वन है हमारे पास वट आर दोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइन थिंग्स टेकन जीरो पॉइंट थ्री एट तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है एटी फोर ठीक है जब हम नाइन थिंग्स को जीरो पॉइंट थ्री टाइम्स जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास एटी फोर आएगा तो नेक्स्ट वन है द केमिकल फार्मूला फॉर एलम एलम जो है वो आम तौर पर किसको कहते हैं जो हमारे किचन में भी यूज होती है वाइट कलर की चीनी की तरह होता है उसका शेप या फिर नमक की तरह आप उसको ले लें लेकिन थोड़ा सा बड़ा जिसको हम अपनी आम जबान में फटकड़ी फटकड़ी कहते हैं तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है के एल एस ओ फोर डॉट ट्वेल्व एच टू ओ ठीक है तो ये उसका फार्मूला है एलम का पोटाशियम एलम पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट ट्वेल्व वाटर तो नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ वन इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज थ्री टाइम देन इट्स एरिया इज इंक्रीज़्ड तो ये नाइन टाइम्स इंक्रीज़्ड होगा यहाँ पर हम एरिया का सिंपल जो फार्मूला है जिसमें उसका बेस और हाइट जो है मल्टीप्लाई होते हैं वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर सिक्स वन है वन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द एक्वेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस वो जो है माइल्स आई थिंक इसका डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं नेक्स्ट uh, है हमारे पास द प्रोटीन मालिक्यूल इज मेड ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल जो है वो किस चीज से बने हुए होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से एक प्रोटीन का मालिक्यूल बनता है

वो हमारी बॉडी को जितनी हम जितनी मर्जी हम लोग विटामिन सी किन चीजों में होता फॉर एग्जांपल अगर माल्टा है हमारे पास अगर माल्टा में माल्टे में विटामिन सी मौजूद है हम जितनी मर्जी माल्टे खा ले, लेकिन विटामिन सी उतना ही स्टोर्ड होगा स्टोर्ड नहीं होगा मतलब जहाँ जहां जहां हमारी बॉडी में उसकी जरूरत होगी पहले पहले तो वो वहां पर जाकर ना पूरा अपनी कमी पूरी करेगा सेकेंडली जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा स्टोर नहीं होता अगर होता भी है तो कम से कम स्टोर होता है विटामिन सी एंड वैसे भी विटामिन जो है वो बॉडी में बहुत कम स्टोर होते हैं नाइन्थ हमारे है, पास द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन द पी ऑफ अ सॉइल इज रेस्ड यूजिंग लाइम स्टोन हाँ लाइमस्टोन कहते हैं चूने का पत्थर यानी कि चूना जो होता है आ, कलर जिससे किया जाता है वो जो है वो एसिडिटी जो है वो ज्यादा करता है साइल की इलेवेंथ हमारे पास विच ऑफ द फार्मिंग इज यूज फॉर मयरिंग डिस्टेंस तो इन में से इन ऑप्शंस में से कोलम लाइट ईयर

ठीक है नंबर जो है कार्बन एटम्स का ज्यादा है वो किस में है क्लोरोफार्म में उसका जब आप फार्मूला क्लोरोफार्म का देखेंगे तो उसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है थर्टीन है हमारे पास अ पेंसिल डिप इन वाटर अपेयर्स बेंट ड्यू टू रिफ्लैक् रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन के थ्रू तो जो है वो बैंट हो, होती है फोल्ड होती है यानी के तो हमारे पास फोर्टीन है फिशेज फिशेज डाईट आउटसाइड द वाटर सॉरी ये ना पेपर मुझे जो मिला है ये थोड़ा सा ब्लर है आप लोग जो है आ, कहीं से ले सकते हैं इसको सही जहाँ पर ये प्रोमिनेंट होवर्ड्स इसके लेकिन मेरे पास यही पेपर था तो पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है फोर्टीन वन जो है उसमें ये है कि फिशेस जो है वो पानी से बाहर क्यों जो है वो मर जाती है तो ऑबियसली ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिफ्थ हमारे पास इन डिमेंशिया जो है वो एक ऐसा है जिसमें अर्थक्विक इज मई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम साइक्लोन इज फॉर्म कब बनता है साइक्लोन तो वो तब बनता है कि जब वेन द वार्म एयर राइस अपवर्ड ओवर ओशन। एटीन हमारे पास वाई रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल फॉर डेंजर तो रेड लाइट जो है वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है और उनकी फ्रिक्वेंसी जो है रेड कलर की वो हाई होती है इसलिए सिग्नल्स के तौर पर जो है उसको यूज किया जाता है थ है हमारे पास द हैवी वार्टर, हैवी वाटर वाटर जो है आ, वो जो उसमें ना ड्यूट्रियम पाया जाता है हाइड्रोजन का आइसोटोप है तीन है ना हाइड्रोजन के प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम तो सेकंड वन ड्यूट्रियम और डी टू ओ से उसको प्रेजेंट करते हैं डिनोट करते हैं लास्ट वन है हमारे पास द आयोनोस्फियर इज लोकेटेड विथ इन थर्मोस्फीयर एंड एक्सटेंडेड ये आई um, ऑलमोस्ट 52 थिंक nah, 50 टू 1200 किलोमीटर जो है वो अबाउट द सरफेस एक्सटेंड होता है इनको मैंने अलग से क्योंकि यहाँ पर ये ब्लर था तो अलग से मैंने ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए आप यहाँ से देख सकते हैं आ, अच्छा तो ट्वेंटी में हमारे पास लास्ट वन में है फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड किलोमीटर इसको आप करेक्ट कर लेंगे और ये सारे आप लोगों के पास मौजूद होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से इसके बाद हमारे पास पार्ट टू आ जाता है पार्ट टू के मैंने फिलहाल जो है आ, एक क्वेश्चन नंबर टू किया है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर टू है जिसमें फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज ट्यूबर क्लॉसिस एंड हेपेटाइटिस और इसका बी पार्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर सिग्नल्स थर्ड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड टोनेट्स अच्छा तो लास्ट वन है डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड गिव एग्जांपल्स तो हम देखते हैं क्वेश्चन टू इसको इन पार्ट्स को मैंने शॉर्टली जो है सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इसमें बताना कैसे है और क्या चीज बतानी है तो यहाँ पर हमारे पास जब ट्यूबर क्लासेस की बात आती है उन्होंने क्वेश्चन में ये था कि हाँ जी तो क्वेश्चन में यह था कि आप लोग जो है ट्यूबर क्लासिस और हेपाटाइटिस को जो है वो एक्सप्लेन करें तो इसमें हम क्या बताएंगे थोड़ा सा उनकी डेफिनेशन बता देंगे कि किस टाइप की डिजीजेस हैं यानी कि ये लीवर लीवर की डिजीजेस हैं जो कि वायरस के, के थ्रू जो है वो होती हैं दोनों डिजीजेस वायरल डिजीजेस हैं और इसका जो है डायग्नोसिस पता कैसे चलता है फर्स्ट फर्स्ट ऑफ तो ऑल इसमें चेस्ट का एक्सरे किया जाता है टिश्यू बायोप्सी से भी पता चलता है स्टेनिंग से पता चलता है सेकेंड टीबी के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं तो इसमें जो है आयोनाइज आयोनाइजेशन होती है पहले पहले उससे पता चलता है सेकेंड वन जो है रिफम रिफम जो है ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है इथेन ब्यूटोल हो गई और पायरेजिनेमाइड हो गई ये एक ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ठीक है जो कि टेबलेट्स के जरिए इंजेक्शन के जरिए सिक्स मंथ्स का ये कोर्स होता है जिसके जरिए जो है वो ट्यूबर uh, क्लासेस को जो है वो uh, खत्म किया जाता है मतलब वायरस को खत्म किया जाता है एक पर्सन से लेकिन अगर इससे भी ज्यादा अगर ये माइल्ड फार्म मतलब फार्म में अगर किसी को माइल्ड uh, कंडीशन जिसकी है अगर अगर इससे भी क्रोनिक कंडीशन किसी की हो जाती है थोड़ी सी ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर जो है इसमें वैक्सीन्स जो है वो ली सॉरी वैक्सीन ली जाती हैं जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन हो गई क्वीन लोन के जो इंजेक्शन हैं वो लगाए जाते हैं ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं तो ये है उसकी ओवरऑल ट्रीटमेंट टीवी की नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है हेपेटाइटिस भी बेसिकली एक इंफ्लेमेटरी डिजीज है लीवर की और इसमें क्या है कि जैसे तो हमारे पास तीन इसके पार्ट्स हैं ए बी एंड सी तो ए और हेपेटाइटिस ए तो नॉर्मली सबको बच्चों को स्पेशली होता है इनबॉर्नस को होता है और इसमें तो ये तो इतना ज्यादा जो है ख़तरनाक नहीं है बी जो है वो भी इससे हेपेटाइटिस ए से, से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन वैसे वो भी जो है उसकी ट्रीटमेंट के जरिए वो भी ठीक हो ही जाता है लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है वो बहुत क्रोनिक डिजीज है और अगर उसको वक्त पर जो है उसका सही से इलाज ना किया जाए तो वो कैंसर तक भी बन जाता है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लीवर है वो फंक्शन करना प्रॉपर फंक्शन करना जो है वो छोड़ जाता है डैमेज हो जाता है तो आपने पहले पहले इसकी डेफिनेशन बता देनी है थोड़े से इसकी तीनों टाइप्स बता देनी है और इसके अलावा जो है आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बतानी है अपने पाकिस्तान के हवाले से के पाकिस्तान में क्या कंडीशन है कितने परसेंट जो है रेशियो उसकी क्या है आजकल हेपेटाइटिस सी के इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उसके सिम्टम्स वगैरह बता देने हैं कॉजे बताने हैं रिस्क फैक्टर्स बताने हैं इसके अलावा डायग्नोसिस बतानी है कि किस तरह जो है आप इसका पता चलता है एक्सरे वगैरह करके अल्ट्रासाउंड करके कुछ टेस्ट है एल और लिवर बायोप्सी ये कुछ टेस्ट है इनके जरिए पता चलता है उसके बाद वैक्सीनेशन होती है तो वो सब आपने बताया कुछ प्रॉपर जो है वैक्सीन के जो है नेम्स आप लोगों ने प्रिपेयर कर देने हैं और वो यहाँ पर मेंशन करना है और इसको एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को जो है आप एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो डायग्राम्स के जरिए फ्लो चार्ट्स के जरिए डायग्राम्स के जरिए जो है आप एक्सप्लेन बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं अच्छा जी तो ये आप देख सकते हैं कि फिर एट द एंड जो है आपने ट्रीटमेंट भी बतानी है और बस शॉर्ट शॉर्ट जो है आपने सब कुछ जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है इसमें क्योंकि आपने बताना उतना ही है कि जितने उसके मार्क्स हैं उस पार्ट के एक पार्ट के आई थिंक फोर मार्क्स होंगे या फिर फाइव होंगे अगर चार पार्ट्स हैं तो एक चार पार्ट्स है तो एक पार्ट के जो है वो पांच नंबर होंगे ओवरऑल एक क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का होता है आ, तो क्वेश्चन टू का जो सेकंड पार्ट है अगर हम देखें तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स था तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर ऑप्टिक की डेफिनेशन के बाद उसके मेन पार्ट बताने हैं कोर क्लेडिंग कोटिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक जिसको हम बफर बोलते हैं और एक्सटर्नल जैकेट्स आप लोगों ने इसी तरह से ही डायग्राम को ड्रॉ करके इसके सारे पार्ट को मैंशन कर देना है और साथ में मैंने ये बता दिया है किस तरह से कोर जो है वो ग्लास मटेरियल होता है जैकेट जो है वो डिफरेंट कलर्स की होती है और क्लेडिंग जो है वो भी ग्लास से बना हुआ होता है या प्लास्टिक वगैरह से और बफर भी प्लास्टिक का होता है तो नीचे जो है एक शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से ही एक प्रोसेस जो है बता सकते हैं कि किस तरह फाइबर ऑप्टिक जो है वो काम करते हैं कि इनपुट जब हम देते हैं ट्रांसमीटर्स के जरिए उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और डिटेक्टर्स में और उसके बाद जो जो है वो एंड जो है वो एक एक से से या प्रोसेस से एक वायर की फॉर्म में जो है वो आ, मैसेज कन्वे हो जाता है तो क्वेश्चन टू का सी पार्ट है हमारे पास मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टर्नेड्स जो है वो उनके बारे में अपने डिफरेंस बताना है तो वैसे तो आप लोगों ने क्या करना है तरीक़ेकार ये है कि जब डिफरेंस की बात की जाती है तो ये, ये बेहतर होगा कि अगर आप जो है बीच में एक लाइन लगाकर और इस एक तरफ से साइक्लोन्स के बारे में बताने और दूसरी तरफ से टोर्ट्स के बारे में बताएं तो उसमें बताने क्या क्या, क्या पॉइंट्स हैं डेफिनेशन उनकी नेचर फिनोमिना ऑफ वर्किंग दोनों का और डैमेज पोटेंशियल और उसकी फार्मेशन के वो बने किस चीज से हुए इसके अलावा जो है आप फिर एट द एंड डायग्राम्स भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन रफली कर दिया है सेकेंड सॉरी लास्ट जो है हमारे पास पार्ट जो है उसमें ये था कि आयोनिक और कोवेल बॉन्डिंग के बारे में आपने बताना था कि वो दोनों क्या होते हैं तो यहाँ पर भी आपने अगर आपने फर्स्ट फर्स्ट आप आयोनिक को बताएं आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि जब दो आयोनिक एटम्स जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज हो साइंस हो तो वो जो है किस तरह से उसमें आइन्स जो है वो किस तरह से शेयर होते हैं शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम का आ, सोडियम आइन है ठीक है तो वो पॉजिटिव साइन है उस पे चार्ज होता है इसके साथ ही क्लोराइड आइन है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है तो इनके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना क्लोराइड आइन जो है क्लोरीन में विकेंसी होती है जिससे जो है वो क्या करता है कि सोडियम से आइन लेकर जो है ना, 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 क्या होता है ना, क्लोराइड सॉरी सोडियम क्लोराइड हमारे पास नमक बनता है ठीक है कंपाउंड बन जाता है तो क्योंकि ये आइंस के दरमियान शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था तो इस वजह से इनको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दोनों एटम्स के बीच में नेक्स्ट uh, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है तो यहाँ पर फ, uh, हम एग्जाम्पल जो है वो वाटर की ले लेते हैं वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स uh, होते हैं दो दो जो है मतलब कि उसमें टोटल uh, जो है ओ एट जिस तरह अगर हमारे पास है तो उसमें uh, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है uh, इसमें डिफिशेंसी होती है तो फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन से वो शेयरिंग पेयरिंग करते हैं जिसमें uh, दो इलेक्ट्रॉन्स की हाइड्रोजन से इस तरह से शेयरिंग होती है कि uh, उनके जो है उसमें हाइड्रोजन एटोमिक फार्म में मतलब जिस तरह के एच की फार्म में हाइड्रोजन होता है उनके भी एक uh, hydro, H2 की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन का एक दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो पेयर बना लेंगे और इस इन दोनों तीनों के दरमियान जो है बोन बनेगा उसको हम कोवलेंट बोन कहेंगे तो इसी तरह से एक क्वेश्चन तो वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास सॉल्व जो है वो क्वेश्चन फोर लाई हूँ क्वेश्चन फोर का जो ए पार्ट है वो ये है कि द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन द बॉडी आपने एक्सप्लेन इस तरह से करना है कि मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेन और एंड मसल्स को सेकंड जो है ये शुगर स्टार्च और फाइबर्स का पैदा करने का प्रोड्यूस करने का सोर्स है बॉडी के अंदर और ग्रेन्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारे जो है ये इनके अंदर स्टार्क शुगर और फाइबर्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं तो इन से की मदद से जो है हमारी बॉडी में जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और हर जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली जो है वो फंक्शन करता है अपना और थर्ड हमारे पास इसका रोल है कि ये क्या कर रहा है एज अ फ्यूल जो है वो एक्ट करता है कैसे कि ग्लाइकोजन की जो है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोस में और वाटर में और इसके अलावा जो फैट मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स जो हैं वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे बॉडी की होती है वो जो है फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पोटैटोस में होता है वीट में होता है तो जिस तरह से बच्चों को अगर इस तरह अनहेल्दी अनहेल्दी से अगर वीक बच्चे हों ठीक है तो डॉक्टर्स अक, अक्सर जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उनको आलू खाने के लिए या फिर इस तरह से के रोटी अगर बच्चों को खिलाई जाए तो इस वजह से क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो पहले तो वो एनर्जी बॉडी की जो है वो पूरी करेगा सेकेंड जो है वो एक्स्ट्रा जो होगी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फिर फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से जो है बच्चे भी हेल्दी रहते हैं उससे तो इसके अलावा जो लास्ट इसका फंक्शन है रीप्लेनिश जो कि उसकी किसी भी आ, मतलब के मेंटल हमारी फिज़िकल हेल्थ उनकी जो है परफॉर्मेंस जो है हमारी बॉडी के हर आर्गन की और रिकवरी किसी भी डिजीज़ के रिकवरी के लिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही होता है सेकेंड uh, हमारे पास है विटामिन के फंक्शन विटामिन के क्या होते हैं कि एक तो ये रेजिस्टेंस किसी भी डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं इसके अलावा हमें क्रोनिक डिजीजेस से वाइटाम जो है वो बचाते हैं डाइजेशन में मदद देते हैं और डाइजेशन और स्पेशली डाइजेशन और यूटिलाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की और मिनरल साल की जो है उनमें वाइटाम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं और इसके इलावा इनका फंक्शन ये है कि नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको एक टेबल की फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में जो है जितने भी आपके पास विटामिन्स हैं विटामिन ए, बी सिक्स, बी ट्वेल्व वाइटामिन सी डी ई इन सब को जो है आप एक चार्ट की फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्टली जिसमें आप उनके शॉर्ट शॉर्ट जो है एक पॉइंट्स की फॉर्म में उनके फंक्शंस बता दें यहाँ पर मैंने जस्ट तीन को मेंशन किया है जो कि वाइटामिन ए है जो क्या करता है कि हमारी आइज के लिए और जो स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये डिजीजेस की उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है बेस्ट है हमारे जो स्किन के डिजीजेस इन्फेक्शन हो जाते हैं ठीक है कोई सभी इन्फेक्शन हो जाता है जख्म वगैरह कोई हो जाते हैं या फिर आ, कील से हो जाते हैं या फिर जो है हमारी आंखों की डिजीजेस हो जाती है ख़ारिश हो जाती है सेलिंग हो जाती है रेडनेस हो जाती है तो उनकी न, उनके लिए विटामिन ए जो है वो इम्पोर्टेंट uh, रोल जो है uh, अदा करता है इसके अलावा विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो एनीमिया डिजीज जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में और जिसम जो है वो फूल जाता है तो और उसमें भी विटामिन बी ट्वेल्व के जो कैप्सूल्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि ट्रीटमेंट करते हैं और किडनी लिवर डिसऑर्डर जितने भी हैं वो यहाँ इससे ट्रीट होते हैं वाइटामिन सी जो है वो स्कर्वी डिजीज से रिलीफ देता है जो कि स्किन की डिजीज है इसके अलावा कैंसर और कॉमन कोल्ड जैसी डिसऑर्डर्स और क्रॉनिक डिजीज से भी वाइटामिन सी जो है उनसे निजात दिलाता है अच्छा क्वेश्चन फोर का बी पार्ट है हमारे पास के अः जिस फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, के जो है एक तो अः फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपने दो पार्ट में कन्वर्ट करना है हमारे पास दो दो टाइप्स के डक्ट्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, है और एंडोक्राइन ग्लैंड है तो सबसे पहले मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, के क्या पेनक्रियास जो है वो उसमें आईलेट्स ऑफ लेंगहें सेल्स हैं हमारे पास ठीक है एक सेल्स हैं आ, हर जो कि हार्मोन को रिलीज करते हैं ग्लूकोगोन इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट्स ने जिस तरह से मतलब अगर इंसुलिन की उनमें कमी हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है बंदा तो ग्लूकागोन जो है इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की जब कमी होती है तो डायबिटीज होती है और ग्लूकागोन जो है वो ये ये अगर ये भी हद से ज्यादा बड़े इससे भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं हमारे डायजेस्टिव सिस्टम लीवर लीवर के स्पेशली तो एक्सोक्राइन जो है उसमें वो फंक्शन पेंक्रियाज की क्या है कि डाइजेस्टिंग को सिक्रीट करते हैं पेनक्रियास और पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करके डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं लिवर के फंक्शन हमारे पास है के एक तो ये हैपेटोसाइट्स जो है आ, सेल्स हैं उनको रिलीज करता है ठीक है ये सेल्स हैं एल्बोमिन फाइब्रैनो ये प्रोटीन सेल्स हैं ठीक है जिनमें प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ये लोग लीवर में ये लीवर इनको प्रोड्यूस करता है लीवर के अंदर जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है इसके अलावा जो है बाइल डर्ट हैपाटिक डर्ट्स और सिस्टिक डर्ट्स जो है ये बाइल जूसेस को और एच एसिड्स वग़ैरह को जो है डाइजेशन के लिए डाइजेशन का प्रोसेस या है कम्प्लीट करने के लिए इन डक्ट्स से हारमोनस और सिक्रीशन होती है और इसके अलावा बाइल साल्स को सिक्रेट करता है बनाता भी है लीवर और फिर सिक्रेट्स भी उसी को करता है वाइटामिन डी की एक्टिवेशन करता है और हारमोनस को मेटाबोलाइज करता है तो ये थे हमारे पास पेंक्रियाज और लीवर के फंक्शंस और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इनके डाइग्राम्स भी नीचे बना सकते हैं और द लास्ट वन इज हमारे पास आ, लास्ट पार्ट जो है वो है रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन में ये है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएं उसके ला के बारे में और और कोई रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको जो है मेंशन करें तो सबसे पहले आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे कि वो क्या होती है अच्छा तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है इनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो इमिट होते हैं ठीक है स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं तो इसमें ये क्या हुआ था कि हैंनरी बैकल जो है वो आ, उन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी को इस तरह से एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली जो है वो यूरेनियम कंपाउंड पर एक रेज वगैरह को एक रेज के जरिए जो है वो इसको डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ठीक है मतलब वो कर कुछ और रहे रहे थे लेकिन जो है डिस्कवर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए किस तरह से उनके पास हो गए कि इसका पता ये चला कि इससे ना इस, इस एलिमेंट से जब लाइट इसमें से पास होती थी अल्फा बीटा और गैमा थ्री टाइप्स ऑफ रेस थे जो कि यहाँ से इमेट होते थे पार्टिकल्स थे थ्री टाइप्स ऑफ वो इमिट होते थे अच्छा तो रेडियो है वो मौजूद है है, हैं नंबर ऑफ एटम्स जो है जो प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ डी और हाफ लाइफ जो है वहां से आप लोग मैर कर सकते हैं तो इस, जब, अब हम चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ अगर ऐसा यूनिट इसका देखा जाए तो वो बेकरल उस उन साइंटिस्ट केमिस्ट के नाम पर ही है एस आई यूनिट सिस्टम आ, इंटरनेशनल यूनिट और वैसे अगर इसका यूनिट देखा जाए तो क्यूरी रदरफोर्ड इसका यूनिट है और वन क्यूरी जो है थ्री पॉइंट सेवन रेस्ट तो पावर फोर रदरफोर्ड के बराबर है और इस वैसे जो है अगर ऐसा यूनिट में देखा जाए तो बैकरल जो है सॉरी वन क्यूरी जो थ्री पॉइंट सेवन बिलियन बैकरल के बराबर है रेडियो एक्टिविटी जो है वो उससे डिपेंड करती है कौन से ला पर ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ठीक है इस पर इस चार्ज के जरिए रेडियो एक्टिविटी इस ला के जरिए सॉरी होती है और इसके जो एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रियोनिक टेबल में मौजूद है वो यूरेनियम है रेडियम है पोलोनियम और थोरियम है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव हैं के जो कि है रेडियो एक्टिविटी जो है शो करते हैं और आ, क्या होता है कि इनमें से इन एलिमेंट्स में से जो है वो एनर्जेटिक जो पार्टिकल्स हैं वो इमेट होते हैं जब हम लाइट को पास करते हैं से तो ये था हमारे पास फर्स्ट पोर्शन सॉरी सब्जेक्टिव का फर्स्ट पोर्शन और वैसे ओवरऑल देखा सेक्शन टू का जिसमें साइंस का पोर्शन जिसमें से हमने दो क्वेश्चन करने होते हैं तो मैंने आपके सामने जो है वो मैं दो क्वेश्चन जो है लेकर आई हूँ और इन नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट टू उसमें जो है हम लोग नीचे वाले पोर्शन सेक्शन सी जो है उसमें से दो क्वेश्चन जो कि मैथ्स एंड एबिलिटी से रिलेटेड है वो सॉल्व करेंगे उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी अल्लाह हाफिज